Let me also quickly cut across to Shabnam and of course Kartik Joshi. Shabnam is walking all the way to Ayodhya. Kartik Joshi is an ultra marathoner and Kartik is jogging, running. It's a marathon to Ayodhya. And let me begin by asking Shabnam, Shabnam, what takes you to Ayodhya? Shabnam, कहां से कहां तक है आपकी पूरी यात्रा और कितनी कठिनाई है इस रास्ते में? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है शबनम शेख और मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए, और आज मुझे टोटल हो गए 14 दिन। आप पिछले 14 दिनों से चल रही हैं, मुंबई से अयोध्या जी आप जा रही हैं, और कितने दिन लगेंगे आपको? मुझे नहीं पता कितना दिन लगेगा कितना दिन नहीं सर जी, लेकिन मैं राम जी का नाम लेके निकल पड़ी हूँ दर्शन के लिए। बाकी मुझे 2 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 3 महीना लगे, मैं बस राम जी की भक्ति में लीन होकर दर्शन के लिए निकली हूँ। और आपने सोचा कैसे कि मैं अयोध्या जाऊंगी, मुंबई से निकली हैं आप करती क्या हैं, और ये विचार जब आया तो आपके घर वालों की, दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, कोई अच्छा काम करने हम जाते तो ढिंढोरा पीट के नहीं जाते, बोलते ना किसी की नजर लग जाती है। तो ये केवल मैंने अपने माँ बाप से बताया था। पहले तो माँ बाप डर गए कि अरे इतना दूर अकेले। मैंने बोला नहीं, अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे 2 दोस्त हैं साथ में। और ये विचार मेरे दिल में ऐसे आई कि देखिए, राम जी के प्रति भक्ति अभी नहीं जागी है, ये बचपन से। सेक्युलर देश है, सेक्युलर माहौल में पली बड़ी हूँ, सेक्युलर में सेक्युलर खानदान में जन्मी हूँ मैं। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि मैंने राम जी के बारे में बचपन से रामायण देखा है और सुना भी है, रामलीला हो गया, मैंने सीरियल्स के माध्यम से देखा है। तो कई मतलब बोलते ना, बहुत इच्छा हुई होती है और मैं बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जाती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर करे आपकी यात्रा सफल हो। कार्तिक, टेल मी मोर अबाउट योर मैराथन फ्रॉम इंदौर टू अयोध्या। ये विचार आपके मन में कहां से आया और किस तरह से आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, कहां कहां तक पहुंचे आप? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम कार्तिक जोशी है सर। मैं एक इंटरनेशनल अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। मैंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन चैंपियनशिप 100 किलोमीटर साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन में भी किया है, जहाँ पर मैंने सिल्वर मेडल जीता था। तो सर, जब 2019 में कोर्ट का आदेश आया था कि राम मंदिर वही बनेगा जहाँ रामलला का जन्म हुआ था, तब मैंने सोचा था कि जब मंदिर बनेगा तो सब अपने अपने माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे या दर्शन करेंगे। पर मेरी सोच उस समय ये थी कि मैं जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो भगवान ने मुझे बनाया है, मैं उसी माध्यम, उसी सोर्स या उसी प्रोफेशन के सोर्स से वहां तक पहुंचूंगा। तो जब 2000 अभी ये 22 में हमें पता चला था कि 2024 में मंदिर बनेगा और उनका रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी के दिन होने वाली है। तो मैंने प्लान किया कि मैं इंदौर श्री रणजीत हनुमान टेम्पल 5 जनवरी को से अपनी दौड़ शुरू करूंगा। ऐसे इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है, वाया उज्जैन अगर जाते हैं तो मैंने सोचा मैं 985 नहीं, मैं टोटल 1008 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो कि हिंदुत्व या सनातन में हम जो शुभ है 1008 लगाते हैं, हम श्री श्री 1008। और मैंने सोचा था कि मैं इस दौड़ को लगभग 7 दिन या 10 दिन में भी खत्म कर सकता था, पर मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जब भगवान श्री राम राजा होने के बाद 14 साल वनवास देख सकते हैं तो हम इस दौड़ के लिए 14 दिन भी लगा सकते हैं। तो हम एवरेज हर दिन 75 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी सुबह 8 बजे रणजीत हनुमान मंदिर से शुरू होगी और 18 जनवरी को अयोध्या में फिनिश होगी, जो कि 14 दिन का सफर रहेगा। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और राम जी करें आप दोनों अपने इस पथ पर जब आप निकले हैं तो वो आपका पथ प्रशस्त करें और आपको सफलता मिले। फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया टुडे स्पेशल, कार्तिक जोशी एंड शबनम शेख, मेनी थैंक्स। मे यू सक्सीड इन योर एंडेवर टू रीच द श्री राम नगरी अयोध्या।